सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आप अपना HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट भी नहीं है तब भी आप अपना HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी तरीके से आप अपना HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और ये ट्रिक 100% काम करती है। तो अगर आपने सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद रॉब, देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में भी नहीं है, अगर आपके पास अपनी सैलरी स्लिप भी नहीं है, अगर आपका किसी भी बैंक में करंट अकाउंट भी नहीं है, अगर आपके पास GST की भी रिटर्न्स नहीं है, अगर आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं है, तब भी आप बड़ी ही आसानी से अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो देखिए, आपको कई जगह जब भी आप कोई भी सामान लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, चाहे आपका मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, LCD हो या फिर किसी भी टाइप का सामान हो, जिस भी शॉप पे अगर आपको ये वाला बोर्ड लिखा हुआ मिल गया ना, जिसमें आपको लिखा हुआ HDFC बैंक EMI इजी EMI या फिर इस तरीके से कोई भी आपको बोर्ड मिल गया ना, तो आप उस दुकान पे जाइए। अगर आपको कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे LCD हो या फिर कोई भी सामान हो, चाहे आपको अपना मोबाइल ही खरीदना हो, तो आपने क्या करना है, आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और एक फोटो लेके जाना है। आप उस दुकान पे जाइए और आप जो भी सामान लेने वाले हैं उसको EMI पे करवा लीजिए। यहाँ पर आपको नो कॉस्ट EMI पे सारा का सारा सामान मिल जाएगा, बहुत ही कम प्रोसेसिंग फीस में। प्रोसेसिंग फीस ही आपकी जो भी लगने वाली है वो लगने वाली है, वो लगभग 500 से लेकर 800 रुपए के बीच में आपको फर्स्ट टाइम यानी कि सिर्फ एक बार प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। उसके बाद जितने भी आपकी EMI बनेंगी वो 12 EMI पे बन सकती है। कम से कम आपको 9 EMI पे आप कोई भी सामान ले सकते हैं, उसके बाद आपको 12 का ऑप्शन मिल जाता है, फिर 18 EMI का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको 24 नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको इतनी सारी EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे HDFC बैंक की एक पॉलिसी है कि अगर आप HDFC बैंक से कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI पे लेते हैं तो वो आपका सिविल स्कोर चेक करने के बाद आपको प्रोडक्ट भी दे देंगे, दूसरी बात आपका साथ ही साथ आपका क्रेडिट कार्ड भी वो अप्लाई कर देंगे। अगर वो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं और अगर आपका सारा का सारी जितनी भी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लेते हैं, तो लगभग एक महीने के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी अपना क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपका एक बार एक क्रेडिट कार्ड बन गया ना, तो फिर आप उस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से दुनिया का कोई भी क्रेडिट कार्ड बड़े ही आसानी से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ट्रिक थी जिससे आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।